गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सभी? आए हो, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ। थोड़ी देर पहले आई थी मैं, और आते ही मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि कल को जाना है स्कूल में। और यूनिफॉर्म हो रही थी गंदी, अभिनव की भी दोनों यूनिफॉर्म गंदी हो रखी थी और मेरी भी गंदी हो गई थी, तो इसलिए मैंने भी मशीन लगा दी। अब रात को छत की धूप तो गायब हो चुकी है, तो रूम में इसको कपड़ों को फैला दूंगी मैं। पूरी रात फैन चल जाएगा, सूख जाएंगे। और आज बनाने वाले हम खिचड़ी, क्योंकि कल मेरी हो गई थी तबीयत खराब, थोड़ा सा पेट खराब हो गया था। पता नहीं मौसम ही ऐसा हो रहा है, मौसम चल रहा है ना गर्मी सर्दी वाला, तो इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो आज सोचा खिचड़ी बना लेते हैं। तो अभी मैं खिचड़ी के लिए पहले मटर छीलूंगी, फिर आलू छील के रखूंगी, और फिर कपड़े धुल जाएंगे। तो थोड़ी देर सोचती हूँ, अगर ये अब धुल गए तो छत पे थोड़ी देर डाल दूंगी 5-6 बजे, क्योंकि अब दिन थोड़ा बड़ा होने लगा। तो अभी मैं फिलहाल मटर छोल लूँ खिचड़ी की तैयारी। तो ये अभी कुछ दिन पहले ही सब्जियाँ लेके आए थे, तो मैं थोड़ी सी मटर छील के रख देती हूँ, क्योंकि खिचड़ी बनाऊंगी तो खिचड़ी फिर अच्छे से बनाऊंगी, नहीं तो अगर मैं खाली नमक मिर्च हल्दी की बना दूंगी तो कोई भी नहीं खाएगा अभी उसको। तो ये थोड़ी सी मटर और 2-3 आलू छील के तब बना दूंगी मैं अच्छी सी खिचड़ी, बढ़िया सी टेस्टी सी। और मट्ठा रखा ही है मैंने, फ्रिज से बाहर रख दिया उसको, क्योंकि ठंडा मट्ठा फिर नुकसान देता, तो वो मट्ठा मैंने रख ही दिया है, तो वो काम आ जाएगा। फिर ये धनिया भी रखा हुआ है, इसमें धनिया भी डाल दूंगी खिचड़ी में। सबसे मेन चीज़ है अभिनव की, अभिनव खा ले बस, और कुछ ही नहीं है। मैं मेरा लड़का खा ले तो अच्छी बात है बस। और देखते हैं अभी कल की छुट्टी का कुछ पता नहीं है, शायद कल छुट्टी ना है नहीं हमारी स्कूल जाने। बसंत पंचमी की एक्चुअली छुट्टी होती है ना स्कूल में, हमारी नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा कुछ प्लान के बनाए थे, स्कूल के काम करना था, क्योंकि स्कूल में होने वाला है किंडर जॉय, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है हमारे यहाँ, तो कुछ सर्टिफिकेट बनाने थे। तो अगर छुट्टी भी होती तो मैं लेके आ जाती, ऐसा है नहीं है, लेके जाके बनाना पड़ेगा मुझे। तो गाइस, जिस जिसने मेरा कल वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसने नहीं करा है, और सपोर्ट बस का ही बोले, और कुछ बोलने और कुछ नहीं बोल रही मैं। तो थोड़ी देर में बस खिचड़ी बनाने जाऊंगी, और मटर छिल चुके हैं लगभग मेरे, क्योंकि मैं थोड़ी सी ही डालूंगी, मटर भरूंगी, मटर मटर हो जाता है। तेरी बातों में सब मटर उलझा जिया, बैठे ही और अब सिलवाया था और हो गया है कंप्लीट। तो ये देखिए मेरी बातों में, और इसकी सलवार बनवाई थी मैंने, इसकी सलवार ये वाली थी अफगानी, ये वाली सलवार बड़ी प्यारी लग रही है, किसी दिन पहनूंगी ना ये मोटा भी धुलेगा, धुल के रखूंगी, और जिस दिन पहनूंगी ना किसी अच्छे ओकेजन पे पहनूंगी, ऐसे भी पहनूंगी। और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, तो ये थोड़ा गर्मियों का सूट है कॉटन का, तो अभी थोड़ा सा गर्मी आने दो, उसके बाद पहनते हैं फिर इसको, और फिर बताना कैसा लगेगा ये।
मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा किचन को सेट, क्योंकि किचन मेरा हो रहा है ये नीचे के डब्बे हो रहे हैं उल्टे सीधे, तो और ये है दूंगी मैं, इसमें थोड़ा सा तेल है इसको निकाल दूंगी, फिर इस डिब्बे को फेंक दूंगी, नया वाला लेके आएंगे फिर बूंद बूंद भी लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये ऑयल का डिब्बा हो चुका है हमारा खाली, इसको रखती हूँ मैं बालकनी में, भीड़ ही कर रहा था कई दिन से, और ये हमारा ऑयल हो गया। ये कचरी का है पैकेट, कचरी का यहाँ रख लेती हूँ, और फिलहाल मुझे इसमें देखना है इसमें क्या क्या रखना है, इसमें बेसन दाल रखनी है, और इसको मैं तो ये रख दिया हमने चावल का डिब्बा ऊपर, हम रख के आते हैं बालकनी में, तो चलते हैं और हम गुजरेंगे हवाओं के नीचे से, हवा होली। इस कमरे में कपड़े सूख रहे हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फैन चलाया मैंने, तो ये बालकनी में हम पहुंच चुके हैं, हमने रख दिया। और अभिनव का पता नहीं है, अभिनव कहाँ गायब है कहाँ नहीं है, और थोड़ी सी कल मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं आते ही पड़ गई थी, मेरा कुछ खाना बनाने का भी मन नहीं था, इतनी बुरी हालत थी, पूरी रात नहीं उठ पाई मैं, खाना भी रोटी भी पता नहीं कैसे कैसे बनाई मैंने, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और अगर आपको दोस्तों अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें, और जिससे आपको मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।